में तीन तरह के आदमी होला, एक कोना में के हवे, डिसाइड कर ले। आशिक हमार नाम, दीवानगी हमार काम, और ना करी तब हूँ हम ढेर सारा बदनाम। तो सलाम भाई लोग, इन कैसन बानी जा रवा सबे, बाकी रवा सब चालू कर दिल बन जाए जब तक भोजपुरी। दरअसल आज हम रिव्यू करे वाले बानी एगो फिल्म्स के ट्रेलर आगुल बा, उहो प्रमोद प्रेमी के। हाँ, फिल्म्स का नाम बाटे आशिक दीवाना। आशिक दीवाना फिल्म्स में का बा, कैसे बा, केंगने बा, सब कुछ एकदम से डिटेल्स में बतावे वाला बानी। तो फटाफट चैनल से जुड़ जाइए, और जे जे भाई नया बा पहले चैनल के सब्सक्राइब कर ली और बेल आइकन के घंटी तो जरूर दबा ली, बाकी संगे मित्र संगे महाराज शेयर कर लीजा। अकेले अकेले कहें हमके मेहनत करावत नहीं जाए। तो चलिए अब हम वीडियो चालू करते नहीं आशिक दीवाना वाला। दरअसल आशिक दीवाना की फिल्म्स के अगर हमने एक बार कहानी के देख लिया जा, तो कहानी एक्शन से चालू होत भी या और एक्शन पर ख़त्म होती है। दरअसल फिल्म्स की कहानी एकदम से चालू होती है एक्शन से, और एक्शन फिर गाना फिर एक्शन फिर गाना। लेकिन जब ये फिल्म्स की कहानी में मतलब चौंकावत बा ई चीज़ कि जब ये फिल्म्स में अचानक से नाग नागिन बन के डांस करत प्रमोद प्रेमी नजर आवेला होता, लोग था कि ये फिल्म्स में नाग नागिन के भी एंट्री बा। हाँ, ये फिल्म्स में नाग नागिन के एंट्री बा, यानी हाफ ट्रेलर के बाद मतलब नाग नागिन के एंट्री हो जाता, और ओकरा बाद से भी क्राइम अपना चरम सीमा पर बाटे। मतलब एक कहानी एगो आशिक दीवाना नाम के लड़का रहता टे, और वो एकदम से बचपन से ही क्राइम करता, यानी केहू के मार देत बाटे। ओकरा जुर्म में वो बहुत मतलब 20 साल जेल भी काट के आवत अटे। जेल में भी ओकर करेक्टर वही गन रहता, वो जगवा भी लोगन के मारता पीटत मुआवत अटे। अब वो मतलब 25 साल के जब होतरन तब जाके वापस आवत रहन। वापस आवत रहन तो उनकर बाबूजी जेलर रहत रहन, तो उनकरा के घर में नहीं खेरागत रहन। अब जब ये बाहर जात रहन तो भैया अब क्राइम के दुनिया से आइल बड़ो, तो क्राइम तो हर काम होखबे करी। अब ये मतलब लोगन के तबाह करत रहन, बर्बाद करत रहन, मतलब विलेनन के सफाई करत रहन। लेकिन चौकावत भाई सब उहे बटे जब नाग नागिन के एंट्री होत बटे। मतलब इसमें एक्शन एकदम से देखल जाओ तो कूट कूट के नजर आवल बा। अब एक्शन में कितना नयापन बटे ई रौवा लोग देखम तो अंदाजा लगाए, हमके कुछ हो नयापन ना लागल। काहे कि अइसन हमने के एक्शन वाला फिल्म तो रोज़ आए दिन देखत रह जाए। दरअसल अगर फिल्म्स के कहानी देखल जाओ एक लाइन में, तो एक्शन ड्रामा वाली ये फिल्म सोख वाली भी। अब नाग नागिन लोग के काय में रोल बा एक हमरो समझ में नहीं आवत, तो हम रौवा सब कैसे बताएं। दरअसल अगर गीत संगीत की बात देखल जाए तो प्रमोद प्रेमी एगो ऐसे ही एल्बम गायक हों, आ जब उनकरा से अगर फिल्म्स में आदमी गाना गवावेला तो फिल्मों वाला गाना वाना जैसे बुझाला कि एल्बम गावत रहो। मतलब एकदम से घटिया अवसर के ए फिल्म्स के मतलब गीत संगीत बा। काहे कि भोजपुरी सिनेमा के गीते संगीत सबसे ज़्यादा जान होला, और सबसे ज़्यादा घटिया ए फिल्म्स के गीत संगीत बा, एल्बमों से बेकार लागत बाटे। सही बताओ तनी, अगर ये फिल्म्स में हमने के कॉमेडी के देखल जाए तो कॉमेडी भी ठीक ठाक बैलेंस वाली दिखती है। अब ये फिल्म थिएटर में कितना कमाल से करी कितना कमाल से ना करी वो तो समय बताए। दरअसल फिल्म्स के लेखक और निर्देशक रितेश ठाकुर के बारे में बता दी। रितेश ठाकुर प्रमोद प्रेमी के साथ एगो माने चनाचूर गरम माने नाग वाला फिल्म्स के लन वो काफ़ी हिट रहे, तो शायद लागल हवे रितेश ठाकुर के कि काहे ना ए फिल्म्स में भी हम थोड़ा सा नाग नागिन के एंट्री दिखाएं, कहीं कहीं से कहानी तोड़ झोड़ के शायद ये भी फिल्म्स ओकरे लेखा बढ़िया चल जाए। ये उनकर सोच बटे, कहें कि अक्सर जहाँ से आदमी सक्सेस होला ना बार बार वही जगह पे जाला। हाँ, इंसान के एगो गजबे फितरत हवे, जहाँ से आदमी सक्सेस होला बार बार वही जगह पे जाला कि फिर से हमके सक्सेस मिल जाओ। अब का मिली उनकरा के रितेश ठाकुर के सक्सेस कि ना मिली, हमके आशा बहुत कम लागत। सही बताओ तने। दरअसल अगर फिल्म्स में अगर देखा जाए फाइनली स्टार कास्ट में, तो फाइनली स्टार कास्ट में देखा जाए तो प्रमोद प्रेमी, कृति पाठक, अनिल यादव, निशा सिंह, प्रकाश जैस, साहिल खान, नीलम पांडे, महेश आचार्य, ए फिल्म्स में स्टार कास्ट में नजर आवल बन जा। अब इस फिल्म्स के ट्रेलर तो अचानक से आ गई हवे, अब फिल्म्स भी अचानक से यूट्यूबे पर आज का हमके नहीं खेला। अगर ऐसा हो तो रमा सबके हम जरूर बताएं कि काहें होतवा केंगन होता, ए पर हम एगो बहुत ही विशेष रिपोर्ट तैयार करते हैं, बहुत जल्दी हम रमा सबके सामने पेश करे वाला बने। बाकी रिव्यू कैसा लागल जरूर कमेंट बॉक्सवा में कमेंट करके बताएं, और संगे मित्र संगे जरूर शेयर करके बताएं कि आखिर भोजपुरी सिनेमा में
चलका रहल बा। तो बस वीडियो में बस इतना ही, और देखत रहें निष्ठक भोजपुरी। सलाम।